हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को पांच परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में जो है मैंने जो है आप लोगों को पांच परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। आप लोगों का मैं एक बार रिवीजन दिखा दे रहा हूँ, कौन सा किसका पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस का हमने बताया था, इसका हमने रिवीजन कर रहा है। पास्ट टेंस में जो होता है पहला जो होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में। तासा, पीथी, तिथि आया हो तो होगा कौन सा हो जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया के अंत में आता है ये ता था, तिथि, तिथि आता है तो होगा कौन सा होता है पास्ट टेंस होता है। जैसे राम घर गया, उसने खाना खाया, वह ऐसा क्यों किया, आपने घर, आप घर कब पहुंचे, तो ये कौन सा हुआ, ये जो हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, रहा था, रही थी, रह जाया, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, आया हो तो वह कौन सा होगा, ये बहुत होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे राम आम खा रहा था, विलू नदी में तैर रहे थे, आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ये कौन सा होगा, ये जो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, फिर परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अब क्रिया क्या हो जाता है, क्रिया के अंत में। चुका था, चुके थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकी थी, आया होता है कौन सा होता है, ये पार्ट परफेक्ट टेंस का होता है। क्रिया का नहीं है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, आया तो कौन सा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो पास्ट जो है हमने एक बार इसका रिवीजन भी करा दिया पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में आप खाना लाए, आप खाना लाए, अब खाना लाए या लाए थे, अब खाना लाए यानी आपने पहले ये काम किया हुआ है और जब आप खाना लाए थे बात एक ही है, आप खाना लाए या खाना लाए थे, जिसके क्या होता है स्ट्रक्चर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप खाना लाए थे तो आपका क्या होता है यू, यू, यू लाए, आप खाना लाए थे, यानी क्या वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। सेकेंड फॉर्म क्या होता है लाना का, ब्रिंग होता है, ब्रिंग होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ब्राउट, यू ब्राउट, यू ब्राउट,
यू ब्राउज, क्या लाया है? खाना लाया है, फूड। यू ब्राउज फूड, आप खाना लाए थे, यू ब्राउज फूड। वैसे ही दूसरा सेंटेंस में देख सकते हैं आप, वह विद्यालय कब गई, वह विद्यालय कब गई, वह विद्यालय कब गई। इसमें क्या हुआ, लास्ट में जो है वो क्या हुआ, गई है, यानी क्या हुआ, ये काम हो चुका है, ये काम क्या हो चुका है, वह विद्यालय कब गई। तो यहाँ पे कब का क्या होता है, जब बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका वर्ड मैंने क्या होता है, पहले लिखते हैं। आपको जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, वह विद्यालय कब गई, व्हेन, डेट, व्हेन डिड, व्हेन डिड सी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, वह विद्यालय कब गई, व्हेन डिड सी गो टू स्कूल। जो है कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि लास्ट से आया है, गई से आया है, मात्रा आता है, ये कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। वैसे ही जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी होता है, इसे रहा रही ही आता है, क्रिया के अंत में क्या हुआ, रहा था, रही थी, रह के आता, हुआ, गीत गा रही थी, वह गीत गा रही थी। तो वह पे क्या होता है, सी वाज, एक आदमी का बोल रहा है, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। She was singing a song. वैसे ही perfect tense का भी होगा example. वह अपना काम कर चुकी थी, कर चुकी थी, वो अपना काम कर चुकी थी। यहाँ पे चुका है, चुकी थी, वह कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, वो अपना काम कर चुकी थी। तो वह पे क्या होता है, सी होगा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का वर्ड हो रहा है, सी हैड, सी हैड, सी हैड अपना काम है, सी हैड, सी हैड। अब करने का क्या होता है, डू होता है, डू, डिड, डोंट, डोंट। अब वह है, जब क्या फीमेल का बोल रहा है तो वह है, और अपना है तो वह के लिए होता है, मेल होता है तो ही लगता है, तो यहाँ पे ही होता है, और फीमेल होती है तो यहाँ पे हर होता है, सी हैड डोंट हर वर्क, डोंट और वर्क, सी हैड डोंट और वर्क। इस प्रकार जो है आप लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। इसमें जिसको भी दिक्कत हो वो जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन कर सकता है कि हमें जो है यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कितने लोगों का ये हो रहा था, एक बार हम लोगों का रिविजन करा दिया है, तो हमने जो है आप लोगों का रिविजन भी करा दिया। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा, यानी
कोई काम क्या हुआ, भूत काल में वो काम हुआ है, लेकिन क्या हुआ कुछ समय तक वो जारी रहा। वैसे सेंटेंस को जो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, दो दिनों से वो दो दिनों से अपने मकान में रह रही थी। यहाँ पे क्या है, दो दिनों से क्योंकि ये क्या भूतकाल में कुछ समय तक ये काम जारी रहा, कुछ समय तक ये काम, तो यहाँ कुछ समय यहाँ पे क्या लिखा है, दो दिनों से राधिका दो घंटों से किताब पढ़ रही थी। राधिका दो घंटों से किताब पढ़ रही थी, यहाँ पे क्या दो घंटों से, यानी क्या हुआ पास में काम हुआ है, लेकिन क्या हुआ ये जो लगातार कुछ समय तक ये काम जारी रहा, कुछ समय तक ये काम होता रहा है। ऐसे सेंटेंस को जो है हम लोग जो है उसका ट्रेसेज बनाते हैं, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, क्योंकि राधिका दो घंटों से ये काम क्या हुआ पास्ट टेंस में हुआ, लेकिन क्या हुआ लगातार कुछ समय तक ये काम होता रह रहा है, इसीलिए इसको जो है हम लोग पास परफेक्ट टेंस कहते हैं। आज जो है मैंने जो है आप लोगों को पास्ट टेंस का जो है रिविजन कराया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। अगले दिन जो है मैं आप लोगों को इसका जो है स्ट्रक्चर बताऊंगा। दैट्स ऑल।